सितारगंज में अवैध शराब की बिक्री को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने शक्ति फार्म पुलिस चौकी में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही चौकी प्रभारी को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि होटल संचालक अपने प्रतिष्ठानों में रोजाना अवैध शराब का विक्रय करते हैं, जिस कारण गांव के नवयुवकों का भविष्य खराब हो रहा है और ग्रामीण शराब के आदि होते जा रहे हैं, जिससे गाँव का माहौल खराब हो रहा है। उक्त शराब विक्रेताओं को मना करने पर लड़ाई को आमदा हो जाते हैं। इसके विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन किया। आपस में अपने गांव में जो है एक महिला संगठन का निर्माण किया गया है, जिसमें अध्यक्ष और आदि इन्होंने पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मेरे द्वारा इनको भी यह आश्वासन दिया गया है कि अब भविष्य में इस प्रकार की कोई भी अगर बच्ची शराब के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो हमें अवश्य अवगत कराएं, और हमारे द्वारा भी इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, और सामाजिक सहयोग के आधार पर भविष्य में इसमें और भी कठिन कठोर कार्रवाई की जाए। चौकी में जैसे ना हमारा गांव का लड़का दुकान खोल रखा है पकौड़ी का, पर परसों भी हुआ था, नरसों भी था, पर गांव का जेंट्स लोग सबने मना करा है दुकान में आके से, जैसे तुम लोग दारू मत बेचो, वो मान नहीं रहे। यही चाहते कि ये शराब बेचते हैं तो ये बंगाली लोग भी मतलब दुकान बंद करना है, दुकान बंद करने के लिए उपलक्ष्य से यहाँ पे आए हैं, तो मतलब उसी वजह से हमारे अध्यक्ष लोगों ने तो किया है, कुछ कर नहीं पा रहे तो हम महिलाएं कुछ करके देखते हैं। फिर हम महिलाएं गए, उन्हें उन्हें मना किया तो वो नहीं मान रहे थे। दो दिन हमने देखा कि ये मानते हैं तो सही है, तो फिर दो दिन हमने देखा माना नहीं, तो हम फिर थाने में आए रिपोर्ट लिखाने के लिए।